नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन और मेरा नाम है जिज्ञासा और मैं आपको बताने जा रही हूँ जो खुलासा किया है चिराग पासवान ने अपनी शादी के प्लान को लेकर उसके बारे में। बिहार के 3 एलिजिबल बैचलर्स कहे जाने वाले चिराग पासवान, उनमें से जो दूसरे हैं वो हैं तेजस्वी यादव और जो तीसरे हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, इन तीनों की शादी को लेकर उनसे सवाल हमेशा किए जाते हैं। और इसी सवाल पे तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मेरे दोनों बड़े भाइयों की शादी हो जाएगी उसके बाद मेरी शादी का सवाल उठता है। तो अब चिराग पासवान से जो स्पेशल बातचीत की है हमारे लाइव सिटीज के रिपोर्टर अभिषेक चंद्रा ने, वो हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें उन्होंने अपनी शादी को लेकर क्या कुछ कहा है। आइए देखते हैं वीडियो में। तेज प्रताप ने शादी कर ली है, अब आप शादी कब कर रहे हैं? यही एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कभी मेरे पास होता नहीं है। ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से माता जी पिताजी पर छोड़ रखी है। जब वो चाहेंगे, जिससे वो कहेंगे, शादी कर लूँगा। बट आज की तारीख में ईमानदारी से बोलूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है एक सांसद होने के नाते, लगभग 20 लाख लोगों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चल रहा हूँ सांसद होने के नाते, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्राथमिकता सिर्फ वो है। अभी माता पिता की मर्जी से शादी करेंगे? बिल्कुल। ओके, हमने ये सवाल तेजस्वी यादव से भी पूछा था। तेजस्वी ने हमसे कहा कि पहले चिराग पासवान शादी कर लें, फिर उसके बाद वो शादी करेंगे। खैर, वो मेरे छोटे भाई हैं, अगर वो ऐसा चाहते हैं कि भाभी पहले आए उनके लिए, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनकी शादी से पहले मेरी हो जाए। बट बहरहाल संजोग की बातें हैं। जैसा मैंने कहा कि आज की तारीख में प्राथमिकता मेरी शादी करना नहीं है, जिस कार्य के लिए समर्पित हूँ पूरी ईमानदारी से उस कार्य को करूँ, ये प्राथमिकता है।